और आज हम लोग अपना हम लोग काफी जो चैप्टर नंबर 4 क्लाइमेट है उसको हम लोगों ने काफी 3 पार्ट में पहले ही हम लोग उसको तोड़ चुके हैं, बेसिकली कवर कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट हमने थोड़ा सा क्लाइमेट के बारे में इन्फॉर्मेशन दी थी, सेकंड पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड का क्या सिग्निफिकेंस होता है क्लाइमेट के ऊपर। थर्ड पार्ट में हमने जेट स्ट्रीम और हमने वाइन प्रेशर सिस्टम उसको डिस्कस किया था। फोर्थ में हमने वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी, एल नीनो और ला नीनो, इनको हमने अच्छे से डिस्कस करा था। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज मॉनसून। ठीक है, तो मॉनसून को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, चलो स्टार्ट करते हैं। तो हाँ, एक चीज़ कल की वीडियो में थोड़ा सा गड़बड़ डेट गड़बड़ हो गई थी, कल 6 अप्रैल है एंड टुमोरो इज अ वेरी गुड डे फॉर मी, कल यानी कि जो आने वाला कल है, तो कल कुछ स्पेशल होने वाला है, आपके साथ भी शेयर करूंगी लेकिन कल शेयर करूंगी, अभी आज के लिए आपके लिए सरप्राइज है। ठीक है, तो आज डेट है 7 अप्रैल 2023। ठीक है, तो ये है चैप्टर नंबर 4 क्लाइमेट यानी कि जलवायु। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग आगे देखते हैं। देख, पहली बात तो क्लाइमेट जो है वो एक मानसून भाषा का शब्द है, सॉरी, जो बेसिकली मानसून जो है जो मानसून है वो एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका अरबी में मतलब होता है मौसम या मौसम। ठीक है, उसका मतलब होता है मतलब बादल, पानी से भरे हुए बादल। ठीक है, इसका मतलब मौसम या मानसून का मतलब। ठीक है, बेसिकली मानसून होता क्या है, मानसून एक ऐसी कह सकते हैं ये एक तरीके से कॉम्बिनेशन होता है बादलों का और हवा की, ऐसे सिस्टम का जो हवा होती है हमारे तरफ उन बादलों को बहाकर लेकर आती है और हमारे हमारी एक तरीके से कह सकते हैं हमारी धरती माता के ऊपर यानी कि हमारी कंट्री के ऊपर बारिश करवाती है। चैप्टर नंबर 4 क्लाइमेट जलवायु। ठीक है, तो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे मानसून, ये एक अरबी भाषा का शब्द है। तो मानसून एक तरीके का एक अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, उसको देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले एक तरीके से मैं आपको बताता हूँ कि ये जो मानसून शब्द है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, किसने की, कैसे स्टार्ट हुए, क्या 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 हुआ इसका। ठीक है, उसको देखते हैं। तो जो मानसून है बेसिकली हिप्पालस नाम का एक व्यक्ति था, क्या था, हिप्पोपोटामस नहीं, हिप्पालस नाम का व्यक्ति था जिसने इसके बारे में वर्णन किया था, किसके बारे में, मानसून के बारे में। जबकि जो अल मसूदी ये सारे कहाँ के लोग थे, ये थे अरब के लोग। अरब कहाँ, अरब कौन सी कंट्री है, अरेबियन पेनिनसुला, आपने सुना है ना, सऊदी अरेबिया जो ये वाली वेस्ट जो ईस्टर्न कंट्री बेसिकली एशियन कंट्री पर वेस्ट एशियन कंट्रीज। ठीक है, क्योंकि उसके बाद से क्या स्टार्ट होता है, यूरोप स्टार्ट हो जाता है। तो हिप्पोपालस ने सबसे पहले फर्स्ट टाइम इसको वर्णन किया था, जबकि जो अल मसूदी था उसने अपने सबसे पहले अपनी किताब में इसके बारे में बताया था, मानसून के बारे में बताया था। ठीक है, मानसून के बारे में एक्सप्लेन करा था, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जैसे हम लोग होते हैं, हमारे पास उस जैसे हम लोग हैं, जैसे मेरे पास कोई चीज़ है, ठीक है, और मेरे पास वो चीज़ काफ़ी लंबे टाइम से है, तो लेकिन मेरे पास ना उस चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है, मैं उसको ना ही अच्छे से देखती हूँ, ना इसको साफ करती हूँ, ना ही कुछ करती हूँ, लेकिन कोई दूसरा बंदा है वो क्या करता है, वो मेरे घर पे आ रहा है, ठीक है, तो वो उसको अच्छे से देखेगा, उसमें इंटरेस्ट दिखाएगा, उसके बारे में जानने की कोशिश करेगा। तो ऐसा ही होता है, जैसे हमारे भारत के बारे में ऐसा ही हुआ कि जो बाहर के विदेशी लोग आए उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमारे इंडिया को इंटरेस्टेड समझा और इसके बारे में डिस्कवरी करनी स्टार्ट करी। इस वजह से जो मानसून नाम का जो क्लाइमेटिक चीज़ें होती है हमारे यहाँ पे उसके बारे में हमें पता लग पाया। ठीक है, तो ये चीज़ है हिप्पालस और अल मसूदी, यह है हमारे लकी चार्म। सो ठीक है, और हाँ, एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि अभी सबकी ना जो हालत है ना बहुत ज्यादा खराब चल रही है, मतलब सबकी तबीयत खराब हो रखी है। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं उनकी भी काफी ज्यादा तबीयत खराब हो रखी है, वो पता नहीं क्या एक वायरल फ्लू चल रहा है, तो प्लीज अपना अपना ध्यान रखो, अच्छे से मास्क वगैरह बाहर पहन के जाओ। ठीक है,
खाने पीने का ध्यान रखो क्योंकि हेल्थ बेसिकली सही होनी चाहिए सबकी, तो अच्छा पूरा दिन जाता है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग मॉनसून। बेसिकली अगर हम देखें तो मॉनसून की वजह से हमारे इंडिया में चार तरीके के मौसम पाए जाते हैं। वो कौन से मौसम है? पहला तो है समर सीजन यानी कि ग्रीष्मकालीन ऋतु, दूसरा है विंटर यानी कि शीतकालीन ऋतु, और तीसरा है कौन सा? एडवांसिंग मॉनसून यानी कि चढ़ता हुआ मॉनसून, ठीक है। और चौथा कौन सा है? यह रिट्रीटिंग मॉनसून। कौन सा है? रिट्रीटिंग मॉनसून यानी कि जाता हुआ मॉनसून। तो ये चार मौसम है हमारे यहाँ पे जिनको हमें देखना है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ पूरे चैप्टर में ना। बेसिकली आपको ये नहीं बता रखा कि मॉनसून कैसे आता है, किस तरीके से कैसे कैसे टकरा के कैसे बनता है, बस ये उन्होंने सिर्फ वेदर के बारे में बता दिया। तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर हम मॉनसून के बारे में थॉरली पढ़ेंगे, ठीक है। समर में क्या होता है? समर में टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, ह्यूमिडिटी क्या होती है? ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है। ह्यूमिडिटी मतलब हवा में पानी की मात्रा, चिपचिपा होता है वो बहुत ज्यादा होती है, स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, प्रेशर बहुत कम होता है, प्रेशर कम होता है, ठीक है। तो यहाँ की हवा ऊपर उठने लगती है, फिर दूसरे कहेंगे किसी और जगह की ठंडी एयर इसको भरने आती है। इस वजह से क्या होता है, गर्मियों में ज्यादातर जिस दिन गर्मियों में ज्यादातर आनी चलती है, आपने देखा होगा बहुत ही ध्यान से कि जिस दिन में बहुत तेज गर्मी रहती है उस दिन रात को या शाम को आंधी जरूर आती है, ठीक है। तो ये कंडीशन इसी वजह से होती है कि किसी एरिया का टेम्परेचर जब बढ़ जाता है तब क्या होता है, उसकी हवा गर्म होकर ऊपर उठ जाती है, फिर ऐसे ही जो एयर का सर्कुलेशन है वो आगे पीछे होता रहता है। इस वजह से हमारे यहाँ पे आंधी भी आ जाती है, ठीक है। तो समर में ये होता है, एक जो हमारे यहाँ पे वाइन चलती है इसको बोलते हैं लू। गर्मी में क्या चलती है? लू चलती है। अगर उसके कॉन्टेक्ट में आ जाता है ये कभी कभी फैटल भी हो जाती है। फैटल मतलब ऐसा कुछ नहीं कि वो इंसान मर सकता है कॉन्टेक्ट में आके, क्यों? क्योंकि तो यह करते हैं किसी दूसरे इंसान के अंदर से, मतलब जिसको लू लगी है उसके अंदर से, मतलब जो वाटर डिहाइड्रेशन कर देती है, बिल्कुल वाटर को अब्जॉर्ब कर लेती है इंसान के अंदर, पानी की कमी हो जाती है, तो ये सारी चीज़ होती है, तो ये फैटल भी होती है, ठीक है। तो यही था समर के बारे में, और हाँ यही था। और विंटर में देखो, विंटर में क्या होता है, टेम्परेचर बहुत कम होता है, ठीक है। और यहाँ पे मोस्टली टेम्परेचर कहाँ तक जा सकता है? 45 डिग्री तक जा सकता है। सोचो अगर 50 डिग्री तक जाएगा तो 100 डिग्री में तो जो पानी होता है वो उबलना स्टार्ट कर देता है। 50 डिग्री में कुछ ना कुछ तो होता ही होगा भाई, पानी का क्या पता बेस बन जाता है उबलने वाला, तो हम लोग भी उबल जाएंगे अगर 50 डिग्री पहुंचा, ठीक है। हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे पहली बात, यार यहाँ पे क्या होता है, जो ह्यूमिडिटी होती है बहुत ही लो रहती है, मतलब यहाँ पे एरिडिटी हो जाती है, एक तरीके से कहते हैं ह्यूमिडिटी बहुत ही लो जाती है, मतलब पानी की मात्रा बहुत कम हो जाती है। पानी की मात्रा कम हो जाती है तो आपने देखा होगा कि सर्दियों में हमारे होंठ वगैरह चटकते हैं, तो क्यों चटकते हैं? इसी वजह से चटकते हैं क्योंकि एटमोसफेयर में पानी की कमी हो जाती है, और गर्मियों में क्या रहता है, एटमोसफेयर में पानी की मात्रा रहती है, तो जो हमारे होंठ हैं वो मतलब एक तरीके से उनको मॉइस्चर प्रॉपर मिलता रहता है बाहर से भी और अंदर से भी, तो इस वजह से क्या होता है कि हमारे जो होंठ हैं वो चिटकते नहीं है। लेकिन सर्दियों में क्या होता है, जो बाहर के एटमॉस्फेयर में पानी नहीं होता लेकिन हमारे जो माउथ है उसके अंदर पानी होता है, तो मतलब बेसिकली हमारे सेल्स के अंदर जो लिप्स के जो सेल्स हैं इनके अंदर वो क्या करते हैं, पानी को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करते हैं। कौन? जो एटमॉस्फेयर की जो एयर्स होती है, जो ड्राई एयर्स होती है, क्योंकि सर्दियों में क्या होता है, जो एयर होती है वो ड्राई हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। तो विंटर, और आपको पता है कि ऊपर की साइड जम्मू कश्मीर वाले एरिया में, नॉर्थ वाले एरिया में ज़्यादा ठंड पड़ती है, ठीक है। जबकि अगर साउथ में आ जाए तो साउथ में क्या होता है, कम सर्दी पड़ती है। क्यों कम सर्दी पड़ती है? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे जो नीचे वाला पार्ट है अपना इंडिया का, ये वाला, ठीक है, ये किससे ज्यादा, तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, तो इसके ऊपर समुद्र का इन्फ्लुएंस रहता है, ठीक है। इस वजह से क्या होता है, यहाँ का जो टेम्परेचर है ना ज्यादा ठंडा हो पाता ना ज्यादा गर्म हो पाता, तो ये चीजें होती हैं। एडवांसिंग मॉनसून, एडवांसिंग इसका टाइम बताते हैं, इसका जो टाइम होता है बेसिकली मार्च से मई तक रहता है, किसका? समर का। विंटर कब से रहता है? नवंबर से फरवरी तक, नवंबर से फरवरी तक। एडवांसिंग मॉनसून मतलब जो मॉनसून आता है कहाँ, किस टाइम पे आता है? जून में आना स्टार्ट हो जाता है, जून से लेकर सितंबर अक्टूबर, जून सितंबर अक्टूबर अक्टूबर तक रहता है। फिर रिट्रीटिंग मतलब मॉनसून लौटना कब शुरू करता है, तो स्टार्ट करता है अक्टूबर से नवंबर दिसंबर तक, ठीक है। तो ये चीज होती है। तो ये था रिट्रीटिंग मॉनसून, जब इसमें मॉनसून वापस जाने लगता है, और ये एडवांसिंग जब मॉनसून आ रहा होता है। तो ये आपको थोड़ा बहुत समझ में आया। अब हम लोग मेन चीज पढ़ेंगे, वो है कि मॉनसून बनता कैसे, मॉनसून कैसे बनता है, कैसे स्टार्ट होता है, कैसे क्यों हमारे यहाँ पे आता है, तो ये सारी चीज हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो अपनी कमर की पेटी कस लीजिए, जो एयरप्लेन या फिर जो गाड़ियां होती हैं तो उसमें सीट बेल्ट को हिंदी में कवर पेटी कहा जाता है,
तो आप अपनी कमर की पेटी घिस लीजिए, हम लोग अपनी रफ्तार में दौड़ने वाले हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मॉनसून को समझने से पहले आपको हमारे जो इंडिया है उसकी कुछ फिजिकल चीजें समझनी पड़ेंगी, ठीक है। हमारी इंडिया की फिजिकल बाउंड्री या फिजिकल जो चीजें होती है उनको समझना पड़ेगा। कैसे, मैं अपने इंडिया की स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ। इंडिया बेसिकली ठीक बना है स्ट्रक्चर। तो अब मेरी एक बात सुनो, कुछ फेमस माउंटेन्स उनको हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ये वाला यहाँ पर कौन सा है, ये है अरावली, ये है विंध्याचल, ये है सतपुड़ा। मैं ए लिख रही हूँ, विंध्याचल सतपुड़ा, ठीक है। ये कौन सा है, ये वेस्टर्न घाट है, ये ईस्टर्न घाट है तुम्हारा, वेस्टर्न का डब्लू ईस्टर्न का ई। ये यहाँ पे ये है नीलगिरी, फिर यहाँ पे अन्नामलाई और यहाँ पे कार्डमम हिल्स। अन्नामलाई के लिए ए और कार्डमम के लिए सी, ठीक है। अब यहाँ हाँ यहाँ पे क्या है, कार्डमम। अब क्या है, यहाँ पे होती है एक राजमहल की पहाड़ियां। कहाँ पे, झारखंड वाला जो एरिया होता है वहां पे कौन सी थी, राजमहल की पहाड़ियां, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, गारो खासी जयंतिया, ठीक है। और यहाँ पे ये तो हमारा आपको पता है, ये हिमालय स्टार्ट है यहाँ से, ये इधर जाके फिर यहाँ पे मुड़ जाता है, फिर यहाँ पे अंडमान निकोबार बन के निकल आता है, ठीक है। ये क्या है, हमारा हिमालय पर्वत है, ठीक है। तो अभी के लिए, फिलहाल के लिए ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। और यहाँ पे हमारा उत्तराखंड, ये तो आपको पता है, ये क्या है, हमारा यूके, यूनाइटेड किंगडम नहीं, हमारा उत्तराखंड, ठीक है। तो इतने बेसिकली अभी आप इतने इंपॉर्टेंट जो पहाड़ हैं उनको ध्यान रखो, आर से राजमहल की पहाड़ियां उनको ध्यान से समझो। अब सुनो क्या होता है, गर्मियों के टाइम पे पहले मैं आपको बताती हूँ मानसून आता कब है। मानसून आता है जून की स्टार्टिंग में, आना स्टार्ट कर देता है 10-15 जून तक, जून तक ही क्या करता है, हमारे इंडिया में आ जाता है अच्छे से। जून से अगस्त से सितंबर तक रहता है, ठीक है। तो अब सुनो आधा कैसे है, ये बेसिकली पहले आप यहाँ पे देखो अपनी इंडिया की लोकेशन, ये अपना अर्थ है, ये क्या है, यहाँ पे इक्वेटर, अपना इंडिया कहाँ पर है, ये रहा अपना इंडिया, ठीक है। हाफ डिग्री नॉर्थ पे, 23.5 डिग्री नॉर्थ पे। अब क्या हुआ, यहां से आपको पता है कि यहां से आपको पता है कि इस वाले रीजन में, मतलब गर्मियों का टाइम चल रहा है कौन सा, मई जून का, मतलब जो सूरज होगा, जो सूरज भगवान होंगे वो किस तरफ होंगे, अभी हमारे नॉर्थ हेमिस्फेयर में होंगे, नॉर्थ यानी कि उत्तरी गोलार्ध में होंगे या नहीं होंगे, होंगे ना। तो गर्मी किस जगह पे पड़ रही होगी, इस वाले रीजन में गर्मी पड़ रही होगी। और आपको पता है कि जो सूरज भगवान है वो 23 डिग्री से ऊपर जाते नहीं है, तो गर्मी इस वाले रीजन में पड़ रही होगी। इसका मतलब यहाँ की जो हवाएं हैं पहले से ऊपर उठ के, गर्म होके ऊपर उठ रही होंगी और ऐसे ही बमंडर बना के उधर उधर घूम रही होंगी, है ना। जब आपको पता है कि उत्तरी गोलार्ध में क्या हो रहा है, अभी गर्मी पड़ रही है और यहाँ की हवाएं जो ठंडी होकर इधर उधर घूम रही है, सॉरी गर्म होकर इधर उधर घूम रही है, नाच रही है। लेकिन जैसे वही होता है ना, जब कोई गुस्से में होता है तो वो क्या करता है, वो गुस्से में मतलब इधर उधर नाचने लगता है, उधर इंसानों को खोजने लगता है कि हम किसके ऊपर अपना गुस्सा उतारे। कुछ चीज इसी तरह की कंडीशन होती है हवा के साथ। लेकिन अब क्या हुआ, आया एक ठंडा सा इंसान, ठीक है। ठंडा इंसान क्यों, क्योंकि वो सूरज से दूर है। अब जितना हम गर्मी के पास जाएंगे उतना हमें ज्यादा गुस्सा आएगा, है ना। ये वजह जिसमें जितना हम गुस्सा वाले इंसान के पास जाएंगे तो चांस है कि हम लोगों को गुस्सा, हम लोग भी गुस्सा हो जाएंगे, शांत तो होंगे नहीं, है ना। तो ये कंडीशन होती है। तो सूरज तो हम लोग कहाँ है, अभी साउथ हेमिस्फेयर में, मतलब हम सूरज भगवान से दूर है, समझे। तो यहाँ पे ये वाली जो हवा होगी वो कैसी होगी, ठंडी हवा होगी। कैसी हवा होगी, ठंडी हवा होगी। और आपको पता है जब हवा ठंडी होती है तो प्रेशर क्या होता है, ज्यादा लगता है।
लेकिन जब हवा गर्म होती है तो प्रेशर क्या लगता है, प्रेशर कम लगता है। तब क्या हुआ, पहले से यहाँ की जो हवा थी वो गर्म होकर उधर घूम रही थी, तो क्या हुआ यहाँ की जो हवा है वो क्या करेंगी, नॉर्थ हेमिस्फेयर में जाएंगी सीधी सीधी, यहाँ से डायरेक्ट उठ के कहाँ चली जाएंगी, इधर जाएंगी। अब आपको एक बात पता है, जब ये इधर जाएंगी ऊपर की तरफ, तो आपको एक बात पता है, मैंने आपको एक लॉ बताया था कोरियोलिस फोर्स यानी कि फेरल का लॉ, कि नॉर्थ में जब भी कोई हवा आती है तो वो थोड़ा सा किधर की तरफ मूव करती है, राइट की तरफ मूव करती है, मतलब अपनी राइट हैंड की तरफ। तो मानो ये सीधा घोड़ा है, ठीक है, और मैं यहाँ बैठी हुई हूँ और ये राइट है मेरा और ये लेफ्ट है, तो हवा किस तरफ मूव करेगी, इसी तरफ तो मूव करेगी, तो ये हवा किस तरफ धीरे धीरे मूव करने लगेगी, ऐसे करके मूव करने लगेगी, मतलब टेढ़ी हो जाएगी। अब टेढ़ी हो जाएगी तो ये हमारा इंडिया है, हवा कैसे आ रही है, वैसे करके आ रही है, नीचे से ऐसे होके आ रही है। तो यही बेसिकली रीजन है हमारा किस चीज का, मॉनसून के आने का, समझे, क्योंकि यहाँ से हवा तो सीधी आई लेकिन कोरियोलिस फोर्स ने या फिर फेरल्स लॉ ने क्या किया, हवा को राइट की तरफ मुड़ा दिया, तो जिस वजह से हमारा जो अर्थ जो हमारी जो इंडिया थी वो बीच में पड़ गई, तो इस वजह से क्या हुआ, हमें मानसून फील होता है। अब आगे देखते हैं कुछ और चीजें, आई होप ये वाली समझ में आ गई होंगी। तो ये तो आपको क्लियर हुआ कि मॉनसून आया कैसे हमारे यहाँ पे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि मॉनसून हमारे यहाँ पे कैसे आता है, कौन से स्टेट में पहले आता है, कौन से स्टेट में बाद में आता है, ठीक है। तो देखो, अब जो मॉनसून आया यहाँ से ऐसे करके आना स्टार्ट किया, तो क्या हुआ, यहाँ से जो मॉनसून है वो दो शाखा में बट गया, एक तो ऐसे चली गई शाखा, इसको हम किससे डिनोट करेंगे, इसको हम ऐसे करके डिनोट करेंगे, ठीक है, ऐसे करके। तो ये वाली कौन सी होगी, ये होगी बंगाल की खाड़ी शाखा, बंगाल की खाड़ी वाली शाखा, और ये वाली कौन सी होगी, अरेबियन सी वाली यानी कि अरब की सागर वाली शाखा, समझे, ये बंगाल की खाड़ी वाली शाखा और ये अरेबियन शाखा, ठीक है। तो ये हुआ, अब क्या होगा, अब क्या होगा, यहाँ से ये जो मॉनसून, ये वाली जो शाखा है अरेबियन सागर वाली, मतलब अरब की सागर वाली, ये आगे बढ़ना शुरू करेगी, ये ऊपर की तरफ भी उतर ही जाएगी, और इतना जब इतना ऊपर की तरफ जाएगी उतना ही अपनी राइट हैंड साइड में मुड़ती जाएगी, क्यों, फेरल की लॉ की वजह से। अब ये ऊपर बढ़ रही है, ऊपर बढ़ते बढ़ते सबसे पहले इसने बारिश कहाँ करवाई, सबसे पहले इसने बारिश करवाई केरला पे, यानी कि मालाबार तट पे, केरला के तट पे क्या कहा जाता है, मालाबार तट कहा जाता है। तो सबसे पहले बारिश कहाँ हुई, मालाबार तट पे, यानी कि केरला में, नोट करो, सबसे पहली बारिश कहाँ हुई, केरल में, ठीक है। उसके बाद हवा आगे बढ़ी, मतलब ये मॉनसून आगे बढ़ा, आगे बढ़ने के बाद क्या हुआ, ये जो मॉनसून है आगे बढ़ा, उसके बाद ये टकराया यहाँ पे, मतलब टकराएगा कैसे, जो अरावली पर्वत है वो तो डायरेक्ट ऐसा है, वो तो बिल्कुल पैरेलल है इसके, तो यहाँ से टकराएगा नहीं, यहाँ से टकराएगा ये कैसे चला जाएगा, इधर चला जाएगा, ये यहाँ से यहाँ पे इस वाली ने, जो इस, ये वाली शाखा थी उसने गुजरात के सौराष्ट्र और काठियावाड़ जिले में क्या कराई, बारिश कराई। बारिश करवाने के बाद ये क्या हुआ, बेसिकली एक बात सुनो, ये पहाड़ है, पहाड़ के इधर जो हवा जा रही है और इधर भी जा रही है, ठीक है, ये कुछ ऐसा होता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे दिल्ली आता है आपका, ठीक है। तो जब ये हवा आ गई यहाँ पे आई, तब इसने क्या किया, बीच में इसको दिल्ली मिला, तो दिल्ली में ऐसी कोई पहाड़ नहीं है। सुनो, हाँ एक चीज और ध्यान से सुनो, कि जब कोई बादल है, ठीक है, जब तक वो किसी ना किसी चीज से टकराएगा नहीं, किसी भारी चीज से, तब तक वो बारिश नहीं करवाएगा, या तो फिर वो अपनी ही क्वांटिटी के भारी बारिश से टकराए तब बारिश होगी, या फिर वो किसी पहाड़ से जाकर टकराए तब बारिश होगी, ठीक है। तो ये चीजें होती है। क्या होगा कि यहाँ पे तो उसको कोई पहाड़ नहीं मिला, ठीक है, अरावली पर्वत मिला, तो वो बिल्कुल सीधा सीधा था, तो वो वहां से ऐसे क्रॉस करके चली गई। अब यहाँ पे क्या, दिल्ली में रायसेना का, रायसेना के पहाड़ है जहाँ पे हमारे राष्ट्रपति रहते द्रौपदी मुर्मू जी, वहां पे क्या है, मुगल गार्डन, राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, ठीक है। तो वहां पे क्या, वो बिल्कुल बहुत छोटा सा, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि छोटी सी पहाड़ी है, तो वहां पे बस थोड़ी बहुत बारिश हुई। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे उत्तराखंड है आगे। अब क्या हुआ, जब ये सारे बादल गए एक साथ, मतलब इनके पास इतनी सारी फौज थी, मतलब इतना सारा पानी भरा हुआ था इनके बादलों में, कि ये ऐसे मान लो ये जैसे गुब्बारा है, ठीक है, गुब्बारा है पूरा भरा हुआ है। अब क्या किया, मैंने इसको डायरेक्ट ऐसे उठाया और किसी के पीठ पे फेंक दिया। जब पीठ पे फेंक दिया तो क्या हुआ, सारा पानी उसके पीठ से छल छल नीचे आएगा। इसी तरीके से बादल के साथ होता है, जब बादल एक साथ रेस लगाते हुए जाते हैं, दौड़ते दौड़ते जाते हैं, और जब उत्तराखंड के पास जाते हैं, तो वहां पे इतने सारे पहाड़ होते हैं कि उससे टकरा के सारा पानी वहीं फैल जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, लैंडस्लाइड होती है, भूस्खलन होते हैं, ठीक है, बादल फटते हैं। बादल फटना बेसिकली इन्हीं को कहते हैं, कि जब बादल पानी भरा हुआ है उसमें पहले से, और वो क्या कर रहे हैं, पहाड़ से जाके टकरा रहे हैं, उसको बोलते हैं बादल का फटना, ठीक है। तो ये सारी चीजें, फिर वहां से पानी बरसता है, बाढ़ आती है, फिर त्रासदी होती है, ठीक है, ये सारी चीजें, इस वजह से उत्तराखंड में ज्यादातर बाढ़ वगैरह आती रहती है। तो ये चीजें थी, यहाँ तो हमने समझ लिया।
इसको हम रेस्ट पे डालते हैं, होल्ड पे डालते हैं। अब क्या हुआ, जब इसने यहाँ बारिश करवा दी, ये थक गई पूरी, अब क्या कहती है चलो वापस चलते हैं। तो वापस जाने के पास, जाने के लिए भी तो उसके पास पानी होना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा बहुत पानी इसके पास बचा होता है, तो क्या करते हैं ये वापस यहाँ से लौट लेती है। लेकिन कहाँ तक पहुंच पाती है, रायसेना की पहाड़ी तक ही पहुंच पाती है। क्यों, रायसेना की पहाड़ी अब इसके लिए बहुत ऊंची हो गई थी, क्योंकि अब इसके पास पानी नहीं है, ठीक है। तो अब ये इसके लिए बहुत ऊंची हो गई, तो क्या किया इन्होंने, सोचा कि चलो अब हमें यहीं रुकना पड़ेगा जब तक हमारे लिए कोई हेल्प करने हमारी नहीं आता। तो ये जो अरेबियन शाखा जो होती है, अरब की सागर की जो शाखा होती है, वो क्या करती है, वो अपना डेरा कहाँ डाल लेती है, दिल्ली में डाल लेती है, ठीक है। दिल्ली में वेट करती है कि अब हमें, जब हमारी को हेल्प करना आएगा तब हम जाएंगे वापस अपने घर पे। तो ये कुछ ऐसा हुआ। अब हम इसको क्लोज करते हैं, इस वाले पे आते हैं। अब देखो, अब क्या हुआ, जो बंगाल की खाड़ी वाली शाखा है वो बढ़ी आ गई, बढ़ती गई। अब ये पहुंच गई कहाँ पे, ये पहुंची इनके अंदर गारो खासी जयंतिया के अंदर। गारो खासी जयंतिया ये किस तरीके का पहाड़ है, ये कुछ इस तरीके के पहाड़ ऐसे करें, ये रहा गारो, ये रहा खासी, ये रहा जयंतिया, ठीक है। जब मॉनसून इसके अंदर घुस जाता है तो बेचारा फंस जाता है, क्यों, इधर जाएगा तब पहाड़, इधर जाएगा तब पहाड़, इधर वापस आएगा तो निकल पाएगा। तो जब ये ऐसे फंस जाता है तो क्या करता है, इस वजह से यहाँ पे ये ज्यादा बारिश कर पाता है। और आपको पता है कि इन्हीं तीनों पहाड़ों के बीच में कोई जगह है, कौन सी है, पहले थी चेरापूंजी, अब कौन सी, मासिनराम, ठीक है। तो पहले चेरापूंजी यहाँ पे थी और मासिनराम यहाँ पर है। अब ये जगह क्यों चेंज होती जा रही है, जगह इसलिए चेंज होती जा रही है क्योंकि ये पहाड़ जो है, इनके जो पहाड़ है इनका शेप क्या हो रहा है, ये लोग काटते जा रहे हैं, यहाँ पे खेत बनाते जा रहे हैं, अपने घर बनाते जा रहे हैं। इस वजह से जो पहाड़ की जो शेप है वो चेंज होती जा रही है। जब पहाड़ की शेप चेंज होती जा रही है तो वाटर का एंटर करने की डायरेक्शन वो भी चेंज होगी, वाटर की एंटर करने की डायरेक्शन चेंज होगी, तो प्लेस चेंज होगा कि जहाँ पे बारिश होती है। तो ये चीज है, ठीक है, ये समझ में आया आपको। अब हम लोग चलते हैं आगे। अब जब यहाँ पे बारिश हो गई, मतलब इन लोगों ने क्या किया, जब यहाँ पे इसके अंदर घुस गई, तब क्या किया, ये इधर से इसके ऊपर से जो ब्रांच निकली थी, एक ब्रांच इसके अंदर चली गई, मतलब काफी सारे ब्रांचेस चलते हैं ना एक साथ, तो ये वाली जो ब्रांच थी वो ऊपर गई, यहाँ से टकरा, ये क्या किया, यहाँ से टकराई, कहाँ से, खांसी वाला जो खांसी पर्वत है उससे टकराने के बाद क्या किया, ये यहाँ से वापस लौटी, तब ये यहाँ से वापस लौटी। अब ये कहाँ पे बारिश कराएगी, अभी इस वाले रीजन में बारिश कराएगी, कौन से, यहाँ पे क्या है, वेस्ट बंगाल है, फिर बिहार है, झारखंड है, फिर क्या है यहाँ पे, उत्तर प्रदेश। अभी यहाँ पे बारिश कराती कराती जाएगी, बारिश कराती कराती जाएगी, और किससे मिलेगी, ये मिलेगी अपनी सहेली से जो कहाँ पे रेस्ट कर रही थी, दिल्ली में, ठीक है। अब ये उस पे जाके मिल जाएगी। अच्छा, ये दोनों मिल जाएंगे फिर क्या होगा, ये दोनों खुश हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या होगा, अब यहाँ पे जब इसके मिलने के बाद, यहाँ पे कौन सी रीजन में बारिश हुई, देखो सुनो, यहाँ के जो इस जो वेस्टर्न घाट है इसके इधर वाले रीजन में बारिश हुई। यहाँ पे कौन कौन से रीजन आते हैं बताओ, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, मतलब इन वाले स्टेट में बारिश हो गई, ठीक है। अब यहाँ के जो बीच वाले स्टेट है कौन से बचे, छोटे छोटे जो पार्ट बचा हुआ है, कौन सा बचा, यहाँ पे बचा मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश, और ये बीच वाला पार्ट जो तेलंगाना वगैरह, वहां पे कौन बारिश कराएगा, यहाँ पे तो सूखा पड़ा हुआ है। अभी ऊपर वाले स्टेट में बारिश हो गई, उत्तर प्रदेश में भी हो गई भैया, अब तो बिहार में भी हो गई, झारखंड में भी हो गई, वेस्ट बंगाल में भी हो गई, ठीक है। हाँ, और एक और चीज सुनो, जब ये यहाँ से आएगी, ये वाली जो शाखा है वो क्या करेगी, वो इसके अंदर घुस जाएगी, किसके अंदर, विंध्याचल और सतपुड़ा के अंदर भी एक शाखा घुस जाएगी इसकी, ठीक है, ये मध्य प्रदेश वाला एरिया ये वाला। तो अब क्या होगा, अब ये बेचारी, ये भी यहाँ पे, जैसे यहाँ पे फंस गई थी ना ये, इस वाले रीजन में, ये वाले रीजन में फंस गई थी, ऐसे ही इस वाले रीजन में फंस जाएगी, ये ऊपर जाएगी तब भी पहाड़, नीचे जाएगी तब भी पहाड़, ऊपर जाएगी तब भी पहाड़, नीचे जाएगी तब भी पहाड़। तो यहाँ पे फंस के क्या करेगी, इस वाले रीजन में ये खूब बारिश करवाएगी, ठीक है। बारिश करवाने के बाद यहाँ पे कौन सी नदी बहेगी, नर्मदा नदी, नर्मदा नदी में क्या आ जाएगी, बाढ़ आ जाएगी, ठीक है, और इसका जो वेग होगा बहुत तेज हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये था, अब मतलब इस वाले रीजन में मोस्टली हमारी बारिश हो चुकी है, इस वाले रीजन में और ऊपर वाले रीजन में, ठीक है। अब सुनो, अब क्या होगा, हमने इसको यहाँ पे मिला दिया, कहाँ पे मिला दिया, दिल्ली में मिला दिया, ठीक है। अब जब हम दिल्ली में मिल गई तो ये क्या करेगी, ये सोचेगी चलो अब वापस लौट चलते अपने अपने घर पे, ठीक है। अब ये इतने सिंसियर हैं दोनों लड़के, इतनी सिंसियर हैं कि ये कहेंगी यार चलो मेरे घर पे चलो, कोई नहीं, मैं तुम्हें दावत खिलाऊंगी, दावत दूंगी। तो ये कहती है नहीं, कौन सी, बंगाल की खाड़ी शाखा, नहीं ये बात गलत है, जिस तरफ से मैं आई हूँ मैं उसी तरफ से वापस जाऊंगी, और जिस तरफ से तुम आयो तुम अपने रास्ते वापस जाना, मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगी ना तुम मेरे घर पे आना, वरना हमारे मम्मी पापा क्या करेंगे, डांटेंगे चिल्लाएंगे, है ना। तो ये कंडीशन थी। तो अब क्या हुआ, जब यहाँ पे मिल गई, ठीक है, मिलने के बाद इन्होंने बारिश कराई कहाँ पे, पंजाब वाले रीजन में, कौन से वाले रीजन में, पंजाब वाले रीजन में, समझ में आया, क्योंकि पंजाब यही है, दिल्ली के पास है, पंजाब और हरियाणा, इस वाले रीजन में उन्होंने कहाँ कराई, बारिश कराई, ठीक है। तो ये था एडवांसिंग मानसून, कौन सा था, एडवांसिंग मानसून वाला जो चीज थी, मतलब जब मानसून पहली बार में एंटर करता है, और ये सारी चीजें कब तक हो जाती है, ये हो जाती है अगस्त तक, अगस्त के मिड तक, या कि सितंबर के स्टार्टिंग वीक तक, ये सारी चीजें खत्म हो जाती है, कौन सी, एडवांसिंग मानसून वाली। अब मैंने आपको बताया कि सबसे पहले बारिश कहां पे, केरला के मालाबार तट पे,
दूसरी बार बारिश कहाँ पे हुई, मतलब सबसे लास्ट में बारिश कहाँ पे हुई, सबसे लास्ट में कहाँ पे हुई, पंजाब में, ठीक है, किससे, एडवांसिंग मानसून से। अब ये कितना था, ये था मानसून का 80%, कितना था 80%। अब हमें इसका देखना है बाकी का, रिट्रीटिंग मानसून देखना है, रिट्रीटिंग, रिट्रीटिंग मतलब मानसून का वापस कैसे जाता है मानसून, ये भी देखना पड़ेगा। वापस जाने के साथ साथ ये कहाँ पे वर्षा करवाता है, ठीक है, कहाँ पे वर्षा करवाता है, कहाँ पे आंधी लेके आता है, कौन सा लौटता हुआ मानसून, उसको भी देखना पड़ेगा हमें, ठीक है। और जो बीच वाला जो एरिया है, ये बीच वाला एरिया, यहाँ पे बारिश कौन कराएगा, ये भी हमें देखना पड़ेगा। हाँ एक क्वेश्चन है मेरा, ये मुझे एक बात बताओ कि दिल्ली वाले जो एरिया है, ठीक है, हमारा जो एरिया दिल्ली एनसीआर वाला है, फिर दिल्ली, वहां पे बारिश किसने करवाई, अरेबियन सी वाली ब्रांच ने कराई या फिर बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच ने कराई, बोलो किसने कराई। तो हमारी दिल्ली में जो बारिश कराई वो दोनों ने करवाई, पहले किसने कराई, अरेबियन सी वाली ने, उसके बाद में आके किसने कराई, बे ऑफ बंगाल वाली ने, ठीक है। और पंजाब में वर्षा किसने कराई, दोनों ने कराई। तो ये चीजें होती हैं, ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं, इसको दोबारा से ड्रॉ कर लेंगे हम लोग, क्योंकि काफी खिचड़ पिचड़ हो गया, आप समझ में भी नहीं आएगा। 80% ध्यान रखना, ये एडवांसिंग मॉनसून 80% होता है। अब पढ़ेंगे रिट्रीटिंग मॉनसून के बारे में। रिट्रीटिंग मॉनसून मतलब लौटता हुआ मॉनसून। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मेरे को ड्रॉ करना पड़ेगा अपना भारत का मैप, अपने प्यारे प्यारे भारत का मैप, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है ड्रॉ करना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। मान लो अपने भारत का मैप है, ठीक है। अब क्या हुआ, हमें डिस्कस क्या करना था, रिट्रीटिंग यानी कि लौटता हुआ मॉनसून। अब क्या करेगा, जब दिल्ली में ये दोनों शाखा मिली, अब क्या करेंगे, अपने अपनी जगह से अपने अपने घर को लौटेंगे, ठीक है। जो ये अरेबियन सी वाली है वो यहाँ से लौटना स्टार्ट करेगी अपना, यहाँ से लौटते टाइम ये यहाँ पे दोबारा से वर्षा कराएगी, थोड़ी बहुत ही कराएगी इस वाले रीजन में, इसके इधर वाले अरावली पर्वत के इधर वाले रीजन में मोस्टली कराएगी, ठीक है। और ये यहाँ से यहाँ पे लौट जाएगी। अब ये लौटेगी क्यों, हाँ सबसे बड़े क्वेश्चन तो ये कि लौट क्यों रही है, क्यों, किसने कहा है, इसको फोर्स किया है, तो क्या रीजन है इसको लौटने का। तो सुनो, अभी मैंने आपको बताया कि जो सूरज था वो कहां पर था, जो सूरज था अभी नॉर्थ हेमिस्फीयर में चमक रहा था, लेकिन धीरे धीरे करते करते कौन से टाइम तक, सितंबर अक्टूबर के टाइम पे जो सूरज है वो कहां पर चला जाएगा, साउथ हेमिस्फीयर में चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, बोलो बोलो, चला जाएगा। इसका मतलब नीचे वाला जो रीजन है वो गर्म होना शुरू हो जाएगा। तो जब ये गर्म होना शुरू हो जाएगा तो जो ऊपर वाले रीजन की नॉर्थ हेमिस्फीयर की जो एयर है वो कहां पे आना शुरू करेगी, वो नीचे की तरफ आना शुरू करेंगी ना, तभी तो ये वापस लौटना शुरू करती है, ठीक है। तो ये था इसके पीछे रीजन। अब देखो, जब ये इधर से लौटेगी, ये तो आराम से लौट गई, लेकिन अब क्या हो गया, इसके लिए दिक्कत हो गई। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे राजमहल की पहाड़ी थी झारखंड में, ठीक है। अब जब ये वापस लौट रही थी, कौन सी, बंगाल की खाड़ी शाखा, तो ये किससे टकराई, ये टकराई राजमहल की पहाड़ी से, किससे, राजमहल की पहाड़ी से। जब ये इससे टकराई तब ये क्या करी, फिर ये यहाँ से मुड़ गई, जब यहाँ से ये टकराने के बाद यहाँ से आई, तब ये ऐसे करके जाएगी, यहाँ से जब ये जाएगी अब तब बारिश होगी इस वाले रीजन में, जिस वाले रीजन में नहीं हुई थी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इस वाले रीजन में बारिश नहीं हुई थी। तो अब सुनो, अब जब ये ऐसे आएगी तो इसके पास बहुत ही कम पानी होगा, तो बहुत ही कम पानी होने की वजह से बस थोड़ी थोड़ी बारिश रहेगी कहाँ पे, झारखंड में, उसके बाद उड़ीसा में, ठीक है। लेकिन अब ये उड़ीसा के तक आते आते इसका बिल्कुल पानी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, इस वाले रीजन में, उड़ीसा के नीचे वाले रीजन में क्या कर पाएगी, आंधी लेके आएगी, सिर्फ आंधी लेके आएगा मानसून, ना पानी बरसेगा ना कुछ होगा, सिर्फ क्या करेगा, आंधी लेके आएगा। लेकिन जब ये आंध्र प्रदेश वाले रीजन में आ जाएगी, तो क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा अपना रीजन ऐसा है, यहाँ समुद्र होता है, फिर ये समुद्र में स्टार्ट हो जाता है, तो यहाँ से क्या करेगी, जब इस वाले रीजन से आएगी तब यहाँ से पानी भरेगी अपने अंदर, अपने अंदर दोबारा से पानी भरेगी। और अब यहाँ पे जो तमिलनाडु वाला रीजन है, यानी कि ये कौन सा तट है, कोरोमंडल वाला तट, कोरोमंडल तट, अब ये क्या करेगी, जब इसने पानी यहाँ से भर लिया तब ये क्या करेगी, कोरोमंडल तट पे यानी कि तमिलनाडु में वर्षा करवाएगी। और ये किस टाइम पे करवाएगी, दिसंबर के टाइम पे, ठीक है। तो 17
परसेंट जो बारिश हुई वो किसकी वजह से हुई, 70%, 80% एडवांस मॉनसून की वजह से और 17% रिट्रीटिंग मॉनसून की वजह, यानी कि लौटते हुए मॉनसून की वजह से। अब आपने देखा कि हमारा पूरा भारत जो है वो कवर हो गया, किससे, मॉनसून से, कोई भी रीजन खाली नहीं रहा, है ना। तो अभी क्या करेगी, आराम से लौट जाएगी। अब मैंने आपको सिर्फ बताया कि मॉनसून से हमारे भारत में सिर्फ 80% वर्षा हुई और ये 17% वर्षा हुई, तो लेकिन ये तो 97% है वो टोटल मिलाएंगे तो बाकी का 3% बारिश हमारे यहाँ पे किससे होती है, तो जो बाकी की जो 3% बारिश होती है हमारे यहाँ पे होती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से, जिसको मैंने आपको कल पढ़ाया था, ठीक है। तो टोटल कितनी हो गई, 100% वर्षा मैंने आपको बता दी कि हमारे भारत में 100% वर्षा कैसे, किससे और क्यों होती है, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक मॉनसून के बारे में। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि हमारे अर्थ हमारे इंडिया में मॉनसून कैसे कैसे आता है और कैसे वापस चला जाता है। तो ये चीज़ें थी, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जो ना आया हो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। हम मिलेंगे नेक्स्ट में। अपना ध्यान रखें, अपनी डाइट का ध्यान रखें और हाँ अपनी सेहत का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखें और खुश रहें, मुस्कुराते रहें। तब तक के लिए बाय बाय।